Kashmir News Service presents. Hello and welcome. I'm Sajjad and you're watching Kashmir News Service. Settled on the foothills of Zabarman Range, Asia's largest tulip garden is all set to open on tomorrow on 5th March. So in this regard, we are with the Secretary of Floriculture, Mr. Sheikh Fayaz. So probably the first, for the first time, the Prime Minister of the country has took to Twitter and appealed people to visit this largest tulip garden of Jammu and Kashmir. So we have with us the Floriculture Secretary. So we will ask him what are the arrangements for this time for the tourists. Sir, pehle aapka bahut bahut shukriya. तो कल आप तकरीबन जो ट्यूलिप गार्डन है जिसकी तैयारियां पिछले बहुत महीनों से चल रही है तो कल ये ओपन होने जा रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट शायद आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको क्या तैयारियां है? सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जिसका कल हम इफ्तिदा ओपन कर रहे हैं, इसका जिक्र आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने ट्वीट में किया। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ ट्यूलिप गार्डन हमेशा यहाँ पर एंड ऑफ मार्च में खोला जाता था, तो क्योंकि टूर होता है वो तकरीबन मई में स्टार्ट होता है, लेकिन ट्यूलिप गार्डन की वजह से टूरिज्म सीज़न प्रीपोन होता है, ताकि टूरिज्म जो भी यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो यहाँ पर देखें और साथ साथ यहाँ के जो खूबसूरत बागात हैं उसका भी नज़ारा लुत्फ़ उठाएं। सर, जो कि कोविड अभी भी चल रहा है तो प्रिकॉशंस को लो मतलब प्रिकॉशंस फॉलो करने के लोगों को कहा जा रहा है, तो जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि लोगों को आप जाइए वहाँ पे उसका मज़ा लीजिए, तो यकीनन अब शायद जो फ्लो टूरिस्ट का होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो अब पहले से ज़्यादा, शायद बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो उस हवाले से क्या टैकल, क्या आपके लिए मुश्किल करना होगा अब, या क्या कैसी वो तैयारियाँ अब है? जहाँ तक SOPs की ताल्लुक कोविड का ताल्लुक है, वो प्रिकॉशंस हमने ले लिए हैं और हम आपके वसादत से हमारे डायरेक्टर साहब ने मीडिया के ज़रिए में, प्रेस के ज़रिए में लोगों को भी बताया है कि किस तरह आप गार्डन में आइए, किस हिसाब में आइए और किस क्या आपको वहाँ पर करना है। तो इन ये जो ट्यूलिप गार्डन है, कहा जा रहा है कि बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारे फूल है। हाँ, इसमें तकरीब इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले चार साल के में हमने तकरीबन इसको डबल कर दिया है। पिछले चार साल से हमने तकरीबन 15 लाख, आज हम 15 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए हैं इस साल, और हमने 64 वैरायटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स लगाए हैं इस ट्यूलिप गार्डन में। हमने 9.5 लाख अपने जो पिछले साल के हमारे पास मौजूद थे, 5.5 लाख हमने इस साल हॉलैंड से भी मंगवाए हैं, जो वो भी लगाए हैं। तो सर, आपने कहा कि जो पिछले साल तकरीबन मई में ओपन होता था तो अब आपने शायद मार्च में ही, तो क्या ऐसे कोई स्टेप्स और लिए जा रहे हैं? हाँ, जो इसमें इससे बेहतर बनाया जाए, इससे बेहतर हम फ्लोरिकल्चर हम लगे हैं इसमें भी कि हम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट चेरी ऑर्नामेंटल चेरी थीम गार्डन एक बना रहा है, जो अनकरेबी जिसका फाउंडेशन स्टोन हाल ही में ऑनरेबल LG साहब लगाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 10 करोड़ का है, जिसमें जापानी सकुरा जिसको कहते हैं, जहाँ पर जापानीज़ में इसका हनामी जब फेस्टिवल मनाते हैं उसको हनामी के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है, ये तकरीबन हम इसी नेक्स्ट वीक में हम इसका फाउंडेशन स्टोन लगाने जा रहे हैं, और ये फर्दर ट्यूलिप गार्डन से भी पहले ही जब तैयार हो जाएगा 10 मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगा, ताकि बाहर के टूरिस्ट जो आएँ और हमारा जो टूरिस्ट सीज़न है ये 10 मार्च से ही उसे, ताकि जो हमारी जो इसके साथ हमारी यहाँ पर टूरिस्ट ट्रेडर्स हैं, शिकारा वाले हैं, हाउस बोटर्स हैं, होटलर्स हैं, उनका बिजनेस इससे बढ़ जाए और हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए।
सर फ्लोरिकल्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ्लोरिकल्चर इसमें बिगनिंग से लगा है कि इसको खूबसूरत बनाया जाए, इसको एक डिफरेंट बनाया जाए। अब तो तकरीबन मैंने पहले ही कहा कि तकरीबन पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, उसने लोगों से अपील की कि आप आए, तो कितनी अहमियत रखती है ये बात आपके लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लोगों को, जो भी कंट्री के स्टेट से, जो भी कंट्री के लोग हैं उनसे कहा है कि आप जाइए वहाँ पर। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि कंट्री के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया है। तो आखिर पर आपकी क्या मैसेज होगी जो लोग वहाँ पे देखने के लिए आए, या बाकी जो लोग हैं अपने एम्प्लॉयज उनके लिए? जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने कहा है कि इस गार्डन का मौका न खोइए और वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन आप देखिए, तो हम भी यही कहेंगे ट्यूलिप गार्डन आप इस बार आइए, क्योंकि हम 2 साल के बाद इस ट्यूलिप गार्डन को खोल रहे हैं, और इसका नज़ारा उठाइए और पूरे जम्मू कश्मीर का नज़ारा उठाइए और बाकी बागात का भी मज़ा लुत्फ उठाइए। सर केएनएस के साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर आल्सो अपीलड पीपल टू कम एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गार्डन। आई एम सजाद फॉर कश्मीर न्यूज़ सर्विस, श्रीनगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज़ सर्विस।